देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। 2017 की बात करें तो 59 सीटों में से 50 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, एक सीट भाजपा के गठबंधन वाली अपना दल ने जीती थी, बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस, 4 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी 2 सीटें गई थी। हालांकि बाद में सपा, कांग्रेस और बसपा के एक एक प्रत्याशी भाजपा में आ गए थे। इस बार भी वो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। यूं तो हर राजनीतिक दल के लिए सभी सीटें काफी जरूरी हैं, लेकिन इनमें 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर हर किसी की नजर होगी। चौथे चरण में जिन 9 जिलों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से कई जिले कभी कांग्रेस के गढ़ कहलाते थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपना गढ़ वापस हासिल करने की, भाजपा के सामने अपनी बादशाहत कायम रखने, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अपनी साख बचाने की चुनौती होगी। चौथे चरण का मतदान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल सहित कई दिग्गज नेताओं के प्रभाव की परीक्षा लेगा। राजधानी लखनऊ से विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पूर्व IPS अधिकारी राजेश्वर सिंह एवं पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र मैदान में हैं। तो हरदोई से निवर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल और ऊंचाहार से पूर्व मंत्री मनोज पांडे भाग्य आजमा रहे हैं। स्ट्रीट बस के लिए लखनऊ से देवेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस न्यूज़। धन्यवाद।